हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, उसका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है कि AD जो हमारे एक AD है, AD इज अ एल्टीट्यूड ऑफ आइसो स्केल्स ट्राइंगल ABC। मतलब एक ट्राइंगल है ABC जो कि आइसो स्केल्स है, मतलब दो साइड इक्वल है, ठीक। मतलब AB इक्वल टू AC, ठीक, ये दो इक्वल है। उसके बाद जो AD है हमारा, एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक। ये इस ट्रायंगल के ऊपर यानी हमारे BC के ऊपर ये एल्टीट्यूड है, इन विच AB इक्वल टू AC। वही चीज़ मैंने बता दिया है कि आइसो स्केल्स है तो AB इक्वल टू AC रहेगा। तो शो करना है, सो डैट कि AD जो है, AD यानी ये जो एल्टीट्यूड यानी या परपेंडिकुलर बोले, वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी BC जो बेस है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट एक ऐसा वर्ड है, इसको समझ लीजिए। बाइसेक्ट मतलब होता है किसी भी चीज या किसी भी लाइन या किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसको हम बाइसेक्ट बोलते हैं। उसके बाद जो सेकेंड नंबर में प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट एंगल A। तो मैंने यहाँ इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 लिख दिया है। मतलब समझिए बात को, एंगल 1 को एंगल 2 के साथ इक्वल करना है। बाइसेक्ट करेगा मतलब एंगल A को दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, तो एक साइड एंगल 1 बनेगा, एक साइड एंगल 2 बनेगा, और दोनों भाग यानी दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल होंगे। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारा है AB इक्वल टू AC, ठीक। एंड ये जो हमारा AD है वो परपेंडिकुलर बोले, एल्टीट्यूड बोले BC पर, ठीक। ये भी है। अब हम ये लिखेंगे टू प्रूव में क्या करना है, सबसे पहले करना है AD बाइसेक्ट BC। तो AD बाइसेक्ट मतलब BC क्या है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। मतलब BD किसके साथ इक्वल करना है, CD के साथ। पहला नंबर में हमारा है BD इक्वल टू CD। जो सेकेंड नंबर में है AD, जो ये AD है बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A मतलब क्या, मैंने पहले बता कर रखा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, ठीक। ये हो गया। अब आइए प्रूफ करते हैं। तो सब प्रूफ करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से, ध्यान दीजिएगा, BD किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और CD किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो BD हम देख रहे हैं, BD इधर वाले लेफ्ट वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पास लिखेंगे इन ट्रायंगल, लेफ्ट वाला ट्रायंगल क्या है, ABD एंड, और जो राइट वाला ट्रायंगल CD किस में आ रहा है, CD वाला राइट वाले में आ रहा है। तो ट्रायंगल ACD लिखेंगे, ACD, ठीक। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम मेंशन कर दिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या क्या है चीजें। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पास जब परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, यानी ये मान लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4, दोनों 90 डिग्री होगा। यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री दोनों हैं, ठीक। उसके बाद जो AD है हमारा, AD और AD दोनों इक्वल हो जाए। क्यों इक्वल होगा, कि दोनों ट्रायंगल में AD की बात किया जा रहा है। इस ट्रायंगल में भी AD है, इस ट्रायंगल में भी AD है। क्यों AD है, क्योंकि ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक। उसके बाद हमको एक चीज गिवन में हमने लिया है कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC लिख सकते हैं, ठीक। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये गिवन में दिया है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है, ध्यान दीजिएगा, एंगल साइड साइड, ठीक, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, या RHS कॉन्गेंसी रूल भी आप लगा सकते हैं। तो हम यही चीज़ लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड के तहत, या RHS कौन, और कोई भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, RHS, ठीक, क्योंकि है तो भाई वही एक ही चीज़। चलिए, तो दोनों से तहत हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया है। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक।
इसमें से कोई एक लिखिए जो लिखिएगा एग्जाम में, ठीक। मैंने यहाँ पास दोनों मेंशन कर दिया आपको समझने के लिए कि दोनों का यूज हो सकता है। तो दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब आप हमको बताइए कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो करस्पोंडिंग साइड है, ठीक, ध्यान दीजिए, करस्पोंडिंग साइड एक को हटा दीजिए, इधर भी लेफ्ट साइड का एक को हटा दीजिए, बचा का बी डी अपॉन में सी डी, यह हुआ करस्पोंडिंग। मतलब क्या, एक साइड इधर से हटा रहे हैं तो एक साइड इधर से हटाइए, इसमें समझने के लिए, बाकी फिगर में आप समझते रहिएगा। ये हमको कहाँ से मिला, सी पी सी टी से, ठीक। अब बताइए, ठीक। अब उसके बाद जो एंगल ए है उतना एंगल टू भी होगा, जितना हमारे एंगल वन है उतना एंगल टू भी होगा। एंगल वन और एंगल टू ऊपर देखेंगे जब आप, तो ये कहाँ पास बने हैं, एंगल ए के पास बने हैं। यानी एंगल ए कहाँ पास है, दोनों में आया है एंगल ए, तो मतलब यहाँ पास लिख दीजिए सीधे सीधे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। क्यों, सी पी सी टी है भैया, सी पी सी टी मतलब कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये पढ़ चुके होंगे, आपको बहुत रट गया होगा इतने, ठीक, एक्सरसाइज आपने लगाया, ठीक। ये इसको समझना बहुत आसान है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसका जितने भी करस्पोंडिंग पार्ट है वो सब इक्वल होंगे, ऐसे आपको करना है। थैंक यू, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।